नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PSJ क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम 2023 परीक्षा तिथि जारी, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, परीक्षा जनवरी में ही होगी। एडमिट कार्ड अपने मोबाइल से एक मिनट में कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वे सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार सिविल कोर्ट का फॉर्म भरे हैं, परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ पर आए, सारी जानकारी इस वीडियो में वन बाय वन करके बताने वाले, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए हम आपको बता रहे हैं एग्जाम कब से शुरू हो रही है बिहार सिविल कोर्ट का, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड हो रहा है और एग्जाम किसकी सेंटर किसकी जिला में सेंटर हो रही है। सो तो आप वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि 2022 बिहार सिविल कोर्ट का इस दिन से जारी होगा एडमिट कार्ड। चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए, बिहार सिविल कोर्ट प्रवेश पत्र और परीक्षा तिथि 2022 हेतु महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बता रहे हैं, देख लीजिए, बिहार सिविल कोर्ट एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि 2022 एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि। चलिए आगे हम आपको बता रहे हैं, आगे सबसे नीचे हम चलते हैं, देख लीजिए परीक्षा तिथि जो कि फरवरी 2023 में जो कि अपेक्षित है, जो कि विभाग के द्वारा अभी जारी नहीं किया गया है लेटर। उसके बाद यहाँ देख लीजिए पोर्टल लिंक जो कि यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। चलिए मीडिया रिपोर्ट क्या कह रही है इस परीक्षा को लेकर, चलिए उसके बारे में हम एक बार आपको बता देते हैं। देख लीजिए, बिहार सिविल कोर्ट प्रवेश पत्र और परीक्षा समाचार दिनांक 2022 बिहार सिविल कोर्ट भर्ती 2022 बिहार सिविल कोर्ट भर्ती 2022 द्वारा बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा में आवेदन करने वाली सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा में किया था, इसके लिए आवेदन किया था, परीक्षा टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। और आगे देख लीजिए, आगे हम आपको बता रहे हैं, चलिए हम सबसे नीचे ले चलते हैं और आपको बताते हैं। आगे देख लीजिए, भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तिथि जो कि आपको भी पता है 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 20 दिसंबर तक आपको लास्ट था। देख लीजिए फॉर्म भरने की तिथि 20 सितंबर 2022 जो कि फॉर्म की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 है। आप देख लीजिए पेमेंट कर सकते हैं 20 अक्टूबर 2022 तक। उसके बाद परीक्षा तिथि जो कि जल्दी अवेलेबल किया जाएगा, प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि जो कि फरवरी 2023 में आपका देख लीजिए एग्जाम होना तय है, जो कि मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी में आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा और फरवरी में आपको 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इंटर का एग्जाम है। उसके बाद 14 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक आपको मैट्रिक का एग्जाम, उसके बाद ही आपका एग्जाम हो पाएगा। तो 21 फरवरी के बाद ही आपका बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम होगा, उससे पहले कोई एग्जाम नहीं होगा, इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही कुछ होता है, देखिए यहाँ पर जी बिहार सिविल कोर्ट एडमिट कार्ड 2022 जैसे डाउनलोड करते हैं, जो कि मैं अब बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करता है, सर आप गलत बताते बाबू मेरे या मेरा वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट पर हम थोड़ी अपलोड करते हैं, मेरा वेबसाइट थोड़ी है जो अपलोड किया जाता है, जो न्यूज निकल के आ जाता है, जो न्यूज निकलता है वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हम तो नहीं बनाते हैं न्यूज, अपने घर में तो नहीं बनता है, इसीलिए जो भी न्यूज निकल के आती है उसके बाद हम आपको बताते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए देखिए यहाँ पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, देख लीजिए सारा हम आपको दे दिए हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको देखना है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, आप लॉगिन जो आईडी और पासवर्ड बनाए थे लॉगिन भी यहाँ से कर सकते हैं, तो सारा हम लिंक आपको अवेलेबल करवा दिए। फिर भी अगर आपको एक दिक्कत रह जाती है तो आप कॉमेंट के माध्यम से बताइएगा। कल एक कॉमेंट आया था जो कि बहुत भावुक कॉमेंट था, जिसमें बताया गया था सर आप बताते हैं बट नहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है और नहीं एग्जाम डेट आ रहा है। दोस्तों वेबसाइट हम नहीं बनाते हैं, मेरा वेबसाइट नहीं है, जो वेबसाइट पे अपडेट किया जाता है वही अपडेट हम आप लोग को भी शेयर करते हैं, इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, जैसे ही कोई अपडेट आता है फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, जितना भी सोशल मीडिया है उस पर दबा के शेयर कीजिए, कोई दिक्कत रह जाती है तो तुरंत आप कॉमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको सजेस्ट कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक से। जय हिंद, जय भारत।